ऐसे बोलो पानी दे दो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय खिजर। होप सो आप सभी ठीक होंगे। दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो चलिए अपने आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। तो गाइस आज मैं ढूंढने जा रहा हूं एक बंदा जिसके साथ करेंगे हम खाने का मुकाबला। तो देखते हैं कौन, आइदर मोइन अगर यहीं पर है तो माइन को पकड़ते हैं, नहीं तो फिर आमिर को पकड़ते हैं। तो देखते हैं कौन आज जो है ना अपने हाथ लगता है। तो जो भी हाथ लगता है फिर उसके साथ करेंगे खाना खाने का मुकाबला। अभी मैं ये सोच रहा हूँ खाना में क्या खाया जाए, आइदर बिरयानी या मेरे ख्याल में बर्गर ठीक रहेगा। बर्गर मंगवा लेते हैं और साथ में सैंडविच और पेप्सी या फिर ड्यू जो भी कोल्ड ड्रिंक हो जाए, तो वो जल्दी ख़त्म करना होगा। बाकी जो है वो उधर ही डिसाइड कर लेंगे जैसे ही कोई बंदा मिलता है। माइन और आमिर में से जो भी अवेलेबल होगा फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या क्या रूल्स रखने हैं। तो देखते हैं आज का जो व्लॉग जो स्पेशली चैलेंज से रिलेटेड होगा, कौन जीतता है। 100-100 दिरहम की लगाएंगे, बाकी रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं गेम के वो हम इकट्ठे डिसाइड कर लेंगे म्यूचुअली। तो गाइस खाना खाने के लिए बाहर आए हैं। तो आज 2 नवंबर, आज 2 मैचेस थे, इंडिया और बांग्लादेश का भी मैच चल रहा है, जबकि दूसरा मैच जो था नैदरलैंड और जिम्बाब्वे का, नैदरलैंड ने यार फतह हासिल कर लिया। यार अजीब ही हाल हो रहा है, मतलब कि पाकिस्तान उस टीम से हारा है जो कि नैदरलैंड से भी हार गया। खैर छोड़ो, नैदरलैंड अभी तक कोई मैच ही जीती और उससे यार मैं क्या बोलूँ, चलो छोड़ो रहा नहीं तो। खैर अभी मैच इंटरेस्टिंग है, 180 आई थिंक 180 का टारगेट है बांग्लादेश को। अभी 2nd ओवर स्टार्ट है तो देखते हैं इधर पाकिस्तान की होप्स बनती हैं फाइनल सेमीफाइनल के लिए या नहीं। तो काफ़ी मज़े का मैच है, देखते हैं गाइस। अभी हमने ऑर्डर किया है आलू वाला नान, तो तंदूरी आलू वाला नान, आलू वाला पराठा नहीं, आलू वाला नान तंदूर में, तो बना रहे हैं, देखते हैं। अभी लग गया, हाँ लग गया, वो आपको भी दिखाता हूँ अपना आलू वाला नान। ये होने लगे कटिंग इसकी, आलू वाला नहीं सॉरी कीमे वाला नान है, कीमे वाला नान है ये। तो पूरा पिज़्ज़ा हो गया, हाँ माशाल्लाह गाइस, ये हमारा है कीमे वाला नान। वो गर्म बहुत ज़्यादा। गाइस बहुत मज़े का ये, लास्ट टाइम खाया था लेकिन इसका मज़ा नहीं आया था, इसलिए मैं आज एग्री नहीं कर रहा था कि मैं ये खाऊंगा, लेकिन मैंने कहा आलू वाला बना दें क्योंकि वो बोल रहे थे आलू नहीं है, तो आज कीमे वाला बना के दूंगा। तो कीमे वाला आज खा रहा हूँ, आज टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है और मज़े का भी है। लास्ट टाइम मज़ा नहीं आया था लेकिन इस टाइम मज़े का है ये कीमे वाला। तो गाइस वापसी मारी हो गई है, लेकिन जो मैच की सिचुएशन अभी बहुत मज़े की है। 6 ओवर्स में आई थिंक 7 ओवर्स में 66 और इवन के 6 ओवर्स के अंदर अंदर लितन दास ने 50 कर लिया यार, अखीर कर दिया, ग्रेट है यार। चलिए अब बाकी देखते हैं, मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें तो ज़्यादा देखना है क्योंकि अगर वो लोग जीतेंगे तो हमारी कोई लास्ट होप बनती है। वो नो डाउट पाकिस्तान मुझे पता है साउथ अफ्रीका से नहीं जीतने वाली, लेकिन फिर भी एक होप तो बनती है ना। चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी हम ऐसे होप लगाएंगे ना कि पाकिस्तान जीत जाएगी साउथ अफ्रीका से, मुझे पता वो हार जाएगी। अब हम कहेंगे नहीं जीतना उसने, तो मे बी वो हमें कोई सरप्राइज़ दे दे। तो चलिए गाइस मैच देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश का। तो मैं तो देख के फिर मैं वापस आऊँगा, आप लोग भी देखिए अगर आप देख रहे हैं। साथ ही बारिश शुरू होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बांग्लादेश अगर ये मैच रेन ऐसी चलती है तो बांग्लादेश 70 रन अहेड है, तो होप सो कुछ करिश्मा हो जाए और बांग्लादेश जीत जाए इंशाल्लाह। एक करिश्मा तो हो गया, बारिश हो रही है, अगर ये थोड़ी और होती रही तो फिर ये मैच बांग्लादेश के हक में जाएगा और पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जो हैं वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी। खाना शाना मैंने बहुत हैवी खा लिया, मीन्स ये जो था कीमे वाला नान, मेरा प्लान था कि आज मैं करूँगा गेम, क्या आज मेरा प्लान था किसी के साथ करूँगा गेम, मेरा प्लान था फूड का कोई कंपटीशन करते हैं किसी के साथ, लाइक माइन के साथ या फिर आमिर के साथ, किसी को पकड़ के और जनाब वाला जीतते हैं कोई कंपटीशन और उसकी पेनल्टी भी डालेंगे जो हारेगा। लेकिन अभी माइन ने भी खाना खा लिया हुआ था, आमिर ने भी, तो इसलिए मैं जाके दोपहर का खाना खाया हूँ
अभी होगा रात को मुकाबला, रात को इनको नहीं जाने देना, इनमें से किसी एक को पकड़ना और इनके साथ कंपटीशन करना खाने का। अभी मैंने हैवी खा लिया लेकिन कोई नहीं, खाने की कमी नहीं है भाई के पेट में, जगह हम बना लेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस कराची रेस्टोरेंट आए हैं अकबर भाई के साथ और आमिर और माइन के साथ। सोच रहा था मुकाबला करूँ इनके साथ लेकिन अभी दोनों नहीं एग्री हो रहे कि मुकाबला करें, तो देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो अभी खाना खाएंगे, अगर इसके बाद जो है मुकाबला करेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक बार पेट फुल होगा उसके बाद जो मुकाबला होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी कुछ मंगवाते हैं, क्या डिसाइड करते हैं देखते हैं। अभी मटन कढ़ाई डिसाइड करने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। मटन कढ़ाई आ गया साथ में दाल माश है, तो स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का टेस्ट है। क्यों राना साहब, क्यों अकबर साहब, कैसा टेस्ट है? हाँ मेरे भाई, तो खाना मज़े का, तो अभी खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस खाना बहुत मज़े का था, दाल थोड़ी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन मटन जो है वो बड़ा मज़े का था, और दो दो रोटियां हमने ठूंस ली हैं। और अभी हम जाएंगे कंपटीशन के लिए, मैं और क्या नाम है आमिर, तो हम दोनों कंपटीशन करने जा रहे हैं, नूडल्स खाएंगे और जो नूडल्स नूडल्स खाएंगे, नूडल्स खाएंगे और जो बहुत मुश्किल है आप कुछ इजी कर सकते हैं, नूडल्स खाएंगे और जो हार गया उसको सब्ज़ मिर्च खानी होगी। तो चले चलते हैं गाइस, गाइस कैफेटेरिया हम पहुंच गए हैं। तो गाइस मेरा तो पूरा प्लान था कि नूडल्स खाएंगे लेकिन आमिर ये बोल रहा है कि नहीं नूडल्स नहीं खाए जाएंगे, तो जो ये कहता है हम वो मंगवा लेंगे। हाँ आमिर क्या खाओगे? चेक कर रहा हूँ, मुझे कुछ पसंद आता था मैं खा होता तो। चलिए जो ये बोलेगा वो मंगवा लेंगे, फिर उसमें कंपटीशन हो जाएगा। तो गाइस बर्गर आ गए हैं, तो अभी हमारा कंपटीशन जो है ना वो स्टार्ट होने लगा। तो माइन भाई ये मोबाइल पकड़िए। तो गाइस ये मैंने ग्रीन चिली का बोला था और ये समझ रहा कि इससे काम चलेगा, इससे काम नहीं चलना है। ये है चिली है ना, देखो भाई ये चिली हमें मालूम है कौन सी, ये तो अचार वाली चिली है, तो चलेगी अचार वाली से नहीं चलेगी। आप इसको पहले ही पता है इसने हार जाना है, ये इधर से लगा। चलो जी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। नहीं ये स्पाइसी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने नूडल्स मंगाने थे, मैंने कहा कि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, तो भाई के लिए बर्गर मंगा दिए। तो अभी जो हारेगा उसको एक चिली खानी होगी, ज़्यादा नहीं, जिस तरह ये ना जिस तरह की एक चिली, ये वाली चिली, ये वाला। तो टाइम स्टार्ट आप बोलो, आपने बोलना जब स्टार्ट करो तब। ये है इनमें से एक खानी है, एक आएगा जो भी हारेगा। हाँ चलो जी, वन टू थ्री गो गो गो। क्या हो गया है? ये बदलो यहाँ के बाद है। मैंने भाई कुछ नहीं जाना। मेरी थक गया। बाद में मेरे कॉलेज पानी बाद में पीना खत्म कर।
खत्म करे खत्म करे ये सारा साल जाती है मैंने बात बार की मैंने वो खा लिया था आपको उसने कम दिया है ये मेरे से नहीं खाया जाएगा वेरी गुड थोड़ी सी मैं दूर नहीं नहीं अभी वो खा रहे ना बस से चलो जी हमें भाई ये खानी पड़ेगी भाई ये है हमारे फेंक नहीं है ये बेईमानी है यार ये बेईमानी ये देख के फेंक दिया गाइस ये देखे पानी दे यार दिस इज नॉट फेयर छोड़ना पड़ा मैं ऑलमोस्ट गेम हार चुका था बर्गर के तक लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कोई सात फ्राइज भी थे तो मैं जीत गया फ्राइज में आके तो और आपने तो मुझे लेकिन इन्होंने बेईमानी की है इन्होंने जो है ना वो जो चिली आपने मुझे खिलाई है ना वो मुझे अभी भी फील हो रही है वो फील तो होगी फील तो होगी लेकिन यह कि इन्होंने पूरी खाई नहीं है ये क्या बात हुई बस इन्होंने उसको बाइट्स करके और फेंक दिया चले कोई नहीं तो आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये अपना हमारा ये कॉम्पिटिशन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो को और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग तो गाइस आमिर को गेम हराने के बाद अभी जा रहे हैं उनके कॉम्पिटिशन में दोबारा और अभी हम उनके साथ खेलेंगे लूडो का मैच तो देखते हैं आज कौन जीतता है कल तो हम हार गए थे लेकिन इंशाल्लाह आज जीतेंगे तो गाइस आज हमने पार्टनर चेंज कर लिए हैं तो आज मैं और आमिर हैं और मोइन और राहिब हैं तो देखते हैं आज कौन जीतते हैं इंशाल्लाह ये लोग एग्री नहीं कर रहे कि रूल चेंज करें आज इनके रूल में इनके घर में इनको ही मार के जाएंगे देखिए तो देखते हैं गाइस हम गेम ऑलमोस्ट जीत रहे हैं पहली फतह वो भी सुखी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी गेम भी जीत गए हैं तो आज माइन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और आमिर जो बर्गर खाने में हारा था मेरे साथ पार्टनर था लूडो में हम दोनों जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी तो टाइम काफ़ी हो गया तो अपना मैं व्लॉग यहीं पे क्लोज़ करता हूँ इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़